नमस्कार दोस्तों, YouTube के गुरुजी हेल्प डेस्क चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स 2019 के बारे में। आपके आने वाले जो HSSC के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर करंट अफेयर्स से एक दो क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाएंगी, तो इसीलिए आपके लिए करंट अफेयर्स से जो पहला प्रश्न उठ सकता है वो रहेगा, हाल ही में संपूर्ण हरियाणा में संत कबीर जयंती कब मनाई गई? तो वो मनाई गई थी 17 जून 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रह सकता है आपका, हरियाणा में 21 जून 2019 को राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन किस ज़िले में किया गया? तो वो किया गया था रोहतक में। ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा का पहला GST हेल्प डेस्क किस ज़िले में बना है? तो वो बना है फतेहाबाद में। कौन से ज़िले में बना है GST हेल्प डेस्क? फतेहाबाद में। हरियाणा में जून 2019 तक लगभग कितने बिजली उपभोक्ता हैं? तो वो है 65 लाख। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा से किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? शताब्दी सम्मान 2019 किस साहित्यकार को दिया गया है? तो वो दिया गया है महेंद्र जैन को। हरियाणा में जून 2019 तक कितने महिला थाने हैं? जून 2019 तक महिला थानों की संख्या पूछी है इसने, तो जून 2019 तक जो महिला थाने है वो है 32। हरियाणा के कितने ज़िलों में जल ही जीवन है नामक योजना लागू की गई है? जल ही जीवन है नामक योजना हरियाणा के 7 जिलों में लागू की गई है, और वो ज़िले हैं अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल और सोनीपत। ये वो 7 जिले हैं जहाँ पर हरियाणा सरकार ने जल ही जीवन है नामक योजना लागू की है। नेक्स्ट रहेगा, प्रदेश सरकार ने प्रदेश में धान की जगह किस खेती को उगाने के लिए 25 करोड़ की योजना तैयार की है? तो वो कौन सी फसल है? मक्का। आगे क्वेश्चन रहेगा आपका, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन HERC के चेयरमैन इसने पूछा है वो कौन है? जगजीत सिंह जी। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के जींद की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो वो कौन सी है? विकास राणा। किसने मिसेज हरियाणा का खिताब जीता है? मिसेज हरियाणा खिताब 2019 किसने जीता है? पूजा एल्हान, जो कि हांसी से है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2019 में किस सांसद ने सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है? तो वो किसने की है? संजय भाटिया जी ने। और संजय भाटिया जी जो है उनका संबंध किस लोकसभा सीट से है? तो है वो करनाल लोकसभा सीट से। और उन्होंने पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले संजय भाटिया कितने वोटों से जीते? तो वो जीते थे 6.5 लाख से अधिक वोटों से। कितने वोटों से? 6.5 लाख से अधिक वोटों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और नोट्स नए नए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।